उकलाना की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, बताइए। मेरी जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र से आज जीत हुई है, पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। कार्यकर्ताओं ने रात और दिन एक करके मेहनत करी और मेहनत का नतीजा आज हमारी ये जीत मिली है। हमारे दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो, जननायक जनता पार्टी के, उनकी छवि की वोट मिली है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के विचारों की वोट मिली है, चौधरी देवीलाल के विचारों की वोट मिली है हमें। बिल्कुल उम्मीद थी, 100% उम्मीद थी। हमने तो शुरू में जब आप इंटरव्यू लेते तो मैं कहता था जी हमारी जननायक जनता पार्टी की सीट उकलाना विधानसभा क्षेत्र से हम जीत करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की झोली में डालने का काम करेंगे, भाई दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालने का काम करेंगे। स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है और जननायक जनता पार्टी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में दिखाई देती है। दो विकल्प आपके पास है, कांग्रेस और एक बीजेपी, तो प्राथमिकता कहां है? वो हमारे जो नेता है वो फैसला, हाईकमान का फैसला है। व्यक्तिगत रूप से अनूप धानक, नहीं, अनूप धानक जी दुष्यंत चौटाला जी के साथ है। अगर आपसे सुझाव मांगा जाए? वो मैं सुझाव में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। पिछले 5 साल भी आप विधायक थे, जबकि अलका उकलाना में उस समय आप अपोजिशन के लिए विधायक के रूप में रहे हैं, तो इस बार क्या प्राथमिकता है? हल्के का विकास मेरी प्राथमिकता है, पहले भी हल्के का विकास कार्य मेरी प्राथमिकता थी और आज भी हल्के का विकास है मेरी प्राथमिकता। अभी निकले हैं यहाँ से, सुनेंगे जाकर के देखेंगे क्या क्या। 5 साल में मैंने, 5 साल में हाँ, जो कोई सड़कों की भी जैसे पाबड़ा में हमने कॉलेज बनवाने की हमारी इच्छा थी वो नहीं बन पाई है। हमारी ढाणियों में लाइटों की व्यवस्था थी, सड़कों की व्यवस्था थी, वो नहीं बन पाई है, उनको हम पूरा करवाने का काम करेंगे। अब की बार बिल्कुल युवाओं के रोजगार का, तो हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने हर घर में एक रोजगार की, हमारी अगर सरकार बनती है तो हर घर में एक रोजगार मिलेगा युवा का, और 75% आरक्षण जो हमारा इसमें जो कंपनियों प्राइवेट कंपनियों 75% हमारा। अनूप धानक उनका साथी बन के काम करेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।